एक बार एक व्यू अजय आपसे ग्वार पे भी लेना चाहेंगे, यहाँ पर भी तेजी है आज। ग्वारगम वायदा देखिए 9000 के ऊपर करीब 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 2% की तेजी यहाँ पर है। ग्वार सीड वायदा भी 1% से ज्यादा की तेजी है। यहाँ पर भी क्विकली अपनी राय शेयर करिए, क्या करें? जी, हमने पहले भी कहा था कि इस बार स्विंग काफी अच्छी हुई है अराइवल प्रेशर के चलते। पूरे अक्टूबर मंथ में अच्छी खासी गिरावट हमने गवार में आती हुई देखी, जहां 5150 से लगभग आज 4550 तक का लेवल भी हमने छूते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं चाइना मार्केट ओपन है, एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है वो डिमांड को इम्प्रूव करेगा, और साथ में हमें लगता है कि टेक्निकली भी ओवर सोल्ड है, जिसके चलते आज ये रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। मुझे लगता है ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी गवार के अंदर, बट ध्यान रखिए इमीडिएट हर्डल जो रहेगा अब 4620 का लेवल तोड़ने पे 4700 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जबकि गवार गम की अगर बात करें तो मुझे लगता है 9250 से 9300 तक का इमीडिएट लेवल है, बट बड़ी तेजी 15 नवंबर के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट होगा, जो 5100 से लेकर 9600 का लेवल गवार गम में और 5100 तक का लेवल गवार गम में गवार सीड में माफ कीजिए दिसंबर तक दिखा सकता है। ओवरऑल ये करंट लेवल से गवार सीड गवार गम एक्युमुलेट करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये राय आपको ग्वार में भी दे दी गई है।